ये आप देख सकते हैं, ये सुबह का टाइम है ना, तो इसको मैंने केक वगैरह खिलाए, अब ये जा रहे बाय। डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले करते हैं सुबह का आगाज़, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, इस वक्त तो सुबह के कोई 6:45 बज रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त अपने घर पर मौजूद हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना यार आज जो है व्लॉग को जल्दी स्टार्ट किया जाए। तो अभी तक मतलब सूरज अगर आप देखें मेरे पीछे, अभी तक मतलब सूरज अभी तक नहीं निकला अच्छे तरीके से, सूरज अभी तक नहीं निकला। और मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था डॉग के साथ मुलाकात, तो ये बेचारा यार पूरी रात मेरे दरवाजे पे बैठा हुआ होता है। तो एक दो केक उसे खिलाए, एक दो केक खुद खाया, और सर्दी की वजह से ना मुंह तो धोया ही नहीं है उसके। अरे यार को हमारे वो ना, हम लोग, मैं जो है ना, हमारी मतलब कि मदर टंग है सिंधी सराय की, तो हमारे बड़े कहा करते थे यार शेरों ने कौन सा मुंह धोने है। तो यार वाकई सही बात है, शेरों ने कौन सा मुंह धोने है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो ये जो लाले जाते हैं ना, ये जिनको बैग उठाए हुए, तो जो है ना कुत्ते तुम्हारे ऊपर है, कुत्ते तुम्हारे ऊपर बोल रहे क्यों? नहीं, तुम उसके बोले मेरे बच्चे चोरी करते हैं। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि डॉग को ऐसा लगता है कि जो है ना ये हमारे बच्चे चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना डॉग्स हमारे ऊपर बोलते हैं। देखे वो लोग उसके पीछे जा रहे हैं, बहुत सारे डॉग हो गए सुबह सुबह ना, तो मतलब इन लोगों के पीछे लगते हैं। वाकई उनके पास बोरी जो होती है ना वो बड़ी होती है, जिसकी वजह से उनको लग रहा होता है कि नहीं यार ये जो हमारे बच्चे चोरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बच्चा स्कूल जा रहा है, तो मतलब हम भी बचपन में यही हुआ करता था, स्कूल जा रहे हो, हाँ असेंबली होने वाली है जल्दी जाओ। भाई साहब, मैं जो है ना अभी दिलशाद भाई की दुकान पे आया, तो दिलशाद भाई ने एक स्पेशल चीज़, यार कहते हैं ना सुबह सुबह उठने का जो है ना अपना ही वो होता है, तो माशाल्लाह कल हुई है ना दिलशाद भाई, कल दिलशाद भाई की जो न्यू भैंस, क्योंकि इनको सामने डेयरी फॉर्म है, और एक दो वीडियो में मैंने आप लोगों को दिलशाद भाई का डेयरी फॉर्म दिखाया भी है, तो माशाल्लाह इनके पास कल जो है ना ताज़ी भैंस सुई है, जिसका जो है दूध अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे हम खल का दूध कहते हैं, जिससे मावा बनता है, जिसे खल बनती है, पहला दूध जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो दिलशाद भाई जो है ना हमें गिफ्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो यार देखें, सुबह सुबह उठने के बेनिफिट होते हैं, अगर मैं ना उठता फिर शाम का टाइम अगर चुवाई होती उसमें नसीब की बात थी, लेकिन यार थैंक यू सो मच दिलशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यार ये जो दूध है ये मैंने ले लिया, सबसे पहले ना ये घर पे देते हैं, उसके बाद तमाम तर चीज़ें। तो ये मैं घर के दरवाजे के अंदर इन हुआ, मैंने अम्मी जान के हवाले किया दूध। अम्मी जान ये वाला जो दूध है ना ये भैंस के खल का दूध है, ठीक है, कल की सुई हुई भैंस थी उसका दूध है, ठीक है, ये संभाल के अपने हिसाब से ना। मुझे अभी तक घर में सारे सोए हुए और मैं दूध लेकर आया हूँ, और अम्मी जो है अभी चाय की तैयारी कर रही है, तो चाय पियेंगे। वैसे मैंने नाश्ता ना वो दिलशाद भाई के पास बेकरी पे कर लिया था, एक दो केक मैंने खा लिए थे, थोड़ी सी चाय मैंने पी थी, लेकिन अपने घर का जो नाश्ता होता है उसका मज़ा अपना होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को गैस का बताया था, अभी हमारे पास गैस अल्हम्दुलिल्लाह सही हो चुकी है, तो अभी चाय बन रही है, अम्मी हल्की आँच पर चाय को रख के गई हैं, और चाय जो है सुबह की रेडी हो रही है। सुबह की चाय का वाकई अपना तड़का होता है, तो मैं चाय को बनाने की कोशिश करूँगा। तो जो है ना मैं थोड़ा सा चाय को उबाला दूंगा, सुबह वाली चाय, तो चाय रेडी होती है, चाय पीते हैं। तो यार चाय के इंतज़ार में हूँ, बस जल्दी जल्दी चाय रेडी हो जाए।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. चाय पी, नाश्ता वगैरह किया, तो उसके बाद जो है मैं निकल गया था बैंक। थोड़ा सा मुझे काम था, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी इनकम आएगी, तो इनकम के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो अभी मैं बैंक गया हुआ था, और बैंक से, क्योंकि मेरा जो अकाउंट था ना, ये वाला, ये अकाउंट मेरा इस्लामिक बैंक से है, इस्लामिक बैंक की कराची में सफूरा ब्रांच। तो मेरा बैंक का अकाउंट जो है टेम्प्ररी फ्रीज़ हो गया था। उसकी वजह यह थी यार, बेरोज़गार बंदे अकाउंट में ना कुछ पैसे डालते थे ना कोई निकालते थे। लास्ट मुझे एक वाकया मैं आप दोस्तों को बताता चलूं, जो कराची में रहते हैं उन दोस्तों को पता होगा, फेरियर हॉल। तो वहाँ पे मैं शूटिंग के लिए गया हुआ था, तस्वीरों की क्लिक के लिए दोस्तों के साथ गया हुआ था। वहाँ पर दोस्तों की ना बाइक, जिस दोस्त की बाइक पर गए हुए थे ना हम लोगों ने, दिलशाद भाई को भी मैं बता रहा हूँ ये वाक्या, आप दोस्तों को भी बताता हूँ। तो दिलशाद भाई सच्ची वाक्या बता रहा हूँ एक मैं आपको। तो हम लोगों ने ना, मैं और चांद को, आप जानते हैं चांद, चांद ये जो रहता है, तो लड़के का नाम है चांद। हम दोनों ना वहाँ पे फेरियर हॉल गए हुए थे, वहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग में बाइक खड़ी की, वही ट्रैफिक वाले बाइक लेकर चले गए। अब मैं अब्बू को फ़ोन लगाऊँ, एक तो देखे ना हम लोगों ने वायलेशन की थी, वायलेशन की पनिश होनी चाहिए, लेकिन यार आप लोगों को पता है कराची के लड़के और चालान होने दे, ये हो नहीं सकता। कोशिश तो करते हैं ना हर कोई जान छुड़वाने की। तो भाई मैंने क्या किया, जब वहाँ हमें पता लगा कि हमारी बाइक पुलिस वाले लेकर गए हैं, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, काफ़ी और लड़कों की भी बाइक पुलिस लेकर जा चुकी थी नो पार्किंग से। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे ट्रैफिक सर्जेंट जो था ना, उसका नाम, जो ऑफिसर था उसका नाम मेहताब सुमरो था, वो उनको मैं जानता था लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी। मैं अब्बू को फ़ोने कर रहा हूँ, भाई अब्बू फ़ोन नहीं उठा रहे। तो वहाँ पे अचानक इत्तेफाक ऐसा था, उन्होंने ना कहा कि भाई लिफ्टिंग चार्जेस 200 रुपीज़ आप लोगों को देने होंगे। तो यार मैंने ना फिर बड़ी, मतलब कि हमारी जेब में इत्तेफाक से ना कुछ भी नहीं था, 50 रुपये मेरी जेब में पड़े हुए थे, उस दोस्त के पास भी कुछ नहीं था। तो ये जो एटीएम था ना, मुझे वहाँ पे काम आ गया। मेरे एटीएम में तकरीबन 800 रुपये पड़े हुए थे, 500 रुपये कम से कम निकलते हैं। मैंने 500 रुपये निकाले और मैंने चालान पे किया, और हम लोगों ने बाइक छुड़वाई थी। उसके बाद जो 250-250 रुपये बचे हुए थे वो पड़े हुए थे। और अभी जो कार्ड की एक्सपायरी थी 6/2020, छठा महीना 2020, और अभी चल रहा है 2021, मतलब साल हो गया कार्ड को फ्रीज़ हुए हुए। तो मैंने कहा क्यों ना यार कार्ड को एक्टिवेट कराया जाए, क्योंकि मेरी यूट्यूब अमाउंट जो है इस्लामिक बैंक में आएगी। तो इन चक्रों में लगा हुआ था, आप दोस्तों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। हम लोग आपस में बात कर रहे थे ना, एक और चेहरा आप दोस्तों को दिखाता चलूं, ये हरिपुर वाला दोस्त ये देख रहे हो भाई, ये पागल है। ये YouTube के जो है ना, इसके नाव उस पर नहीं करो सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं करो, ये पागल बन गए। दुश्मन कितनी भी कोशिश करे ना, दुश्मनी की नहीं है, मेरा भाई है भाई, ये एक पागल बन गया है। अपना सब कुछ इसने छोड़ दिया है, तालीम वगैरह हर कुछ छोड़ दिया है, ये YouTube के पीछे पड़ा। YouTube इसको क्या देगा, 25,000 तनख्वाह देगा महीने? काले भाई के काम देख रहे हैं। तो मतलब जब आप YouTube स्टार्ट करते हैं ना, आप लोगों को ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं। मैं चाहता तो वीडियो को काट भी सकता था, इस पार्ट को काट भी सकता था, लेकिन दिलशाद भाई ने कहा ये पार्ट आपने लाजमी देना है, ताकि जब आप कामयाब हो जाओगे ना, ऐसे दोस्तों को बताना कि यार हम लोग कामयाब हो गए हैं। तो इंशाल्लाह वन डे वी विल बी सक्सेस।
तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त महताब अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।